बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फिजिशियन। ये कहानी है 11th सेंचुरी की। ये वो वक्त था जब चर्च काले जादू से टोना टोटकों से लड़ रहा था। ये वो वक्त भी था जब ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स और गैलेन की जो मेडिकल नॉलेज थी वो वेस्टर्न यूरोप से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहीं इंग्लैंड में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बार्बर है। वो जगह जगह घूमकर आम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज देता है, पर चर्च के लोग उसे काला जादू करने वाला समझते हैं, इसीलिए उसे छुपकर ये सब मेडिकल फैसिलिटीज आम लोगों को देनी पड़ती है। और जब वो इंग्लैंड के गाँव में पहुंचता है और वहां पर लोगों को ये ज्ञान दे रहा होता है कि किस तरह से मेडिकल से इंसान को बचाया जा सकता है, तभी वहां पर एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉब है। रॉब उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो जाता है। इसके बाद रॉब अपने घर आता है जहां वो अपने भाई बहन और अपनी मॉम के साथ रहता है। उसी रात को रॉब की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मॉम दर्द से कराह रही होती है और जब वो अपनी मॉम के सीने पर हाथ रखता है तो डर जाता है। उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है और इसके बाद वो सीधा बार्बर के पास जाता है ताकि वो उसकी मॉम का इलाज कर सके। वो बार्बर को अपने घर ले आता है और तभी यहाँ पर गाँव वालों के साथ कुछ चर्च के लोग भी आ जाते हैं और वो बार्बर को रॉब की मॉम का इलाज नहीं करने देते, जिस वजह से उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। रॉब अपनी मॉम की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दरअसल रॉब की मॉम को अपेंडिसाइटिस हुआ था, लेकिन इस बीमारी के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि रॉब के भाई और बहन को गांव वाले अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनसे काम करवा सकें। वहीं रॉब अब अकेला रह चुका है और जब वो बार्बर को गांव से जाते हुए देखता है तो वो कहता है, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। बार्बर भी उसे अपने साथ ले जाता है और अब रॉब बार्बर के साथ रहकर उसकी जितनी भी मेडिकल नॉलेज होती है उसे सीखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो बार्बर होता है उसे भी मेडिकल की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती। वो कुछ ही बीमारियों का इलाज कर सकता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब रॉब बड़ा हो जाता है। वो बार्बर के साथ घूम घूम कर लोगों का इलाज करता है, लेकिन आज भी वो उस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है जो बीमारी उसकी मॉम को कई सालों पहले हुई थी, जिसका नाम अपेंडिसाइटिस है, जिसमें इंसान के पेट में बहुत दर्द होता है, उसे वॉमिटिंग होती है, साथ ही उसकी भूख भी खत्म हो जाती है। पर आज तक उसे इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। अब ये एक आदमी का इलाज करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं जहां पर उसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है और जब ये उसके दांत का इलाज कर रहे होते हैं, रॉब उस आदमी के दिल पर हाथ रखता है तो उसे बहुत अजीब महसूस होता है जिससे वो डर जाता है। उसे ऐसा महसूस उस वक्त हुआ था जब बचपन में उसने अपनी मॉम के दिल पर हाथ रखा था और अब वो यहाँ पर बार्बर को बताता है कि इस आदमी को कोई खतरनाक बीमारी है और आज रात को ये आदमी मर जाएगा। और होता भी ऐसे ही है, रात को उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉब के अंदर एक खास पावर है जिससे उसे ऐसी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है जिसका इलाज आज तक बना ही नहीं है। और रॉब इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहता है, लेकिन ये जिन बीमारियों का इलाज करते हैं वो सब की सब एक्सटर्नल होती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इन्हें कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि इस वक्त में इंसानों के शरीर को काटना पाप माना जाता था। और अब क्योंकि उस आदमी की मृत्यु हो गई है, इसीलिए गांव वालों को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आता और इन दोनों को गांव से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। वक्त बीतता रहता है और एक दिन बार्बर की आंखों में धुंधलापन आ जाता है। दरअसल उसे कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो गया है और इस बीमारी का भी इलाज इस वक्त में नहीं होता। धीरे धीरे वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है और अब इन दोनों को समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें पता चलता है कि एक ज्यूइश डॉक्टर है जो इस तरह की बीमारियों का ऑपरेशन करके ठीक कर देता है। ये दोनों उस ज्यूइश डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो बार्बर की आंखों का ऑपरेशन करता है और कुछ ही वक्त बाद उसे पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। ये देखकर बार्बर और रॉब दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इन्होंने किसी भी ऐसे आदमी को दोबारा देखते हुए नहीं देखा था जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। और अब रॉब उससे पूछता है कि तुमने इलाज कहाँ से सीखा। वो बताता है कि पर्शिया में एक डॉक्टर है जिसका नाम सिन्हा है, उसका अपना एक हॉस्पिटल है। सिन्हा एक साइंटिस्ट, डॉक्टर और फिलोसोफर है, जहाँ पर वो लोगों का इलाज करता और साथ ही वो नए स्टूडेंट्स को मेडिकल की नॉलेज भी देता है, यानी कि वो उन्हें एक तरह का डॉक्टर बनाता है। ये सुनने के बाद रॉब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो भी पर्शिया जाना चाहता है। लेकिन पर्शिया जाने के लिए इन्हें मिस्र के रास्ते होते हुए जाना होगा और मिस्र से किसी भी क्रिश्चियन को जाने की इजाजत नहीं होती, और क्योंकि रॉब एक क्रिश्चियन है इसीलिए वहां से नहीं जा सकता। पर ज्यूस लोगों को वहां से जाने की इजाजत होती है, इसीलिए वो तय करता है कि वो कुछ ज्यूस लोगों के साथ खुद भी एक ज्यू बनकर उस रास्ते से जाएगा। और अब
वो पर्शिया के सफर पर निकल पड़ता है। ये सफर इतना आसान नहीं है क्योंकि इन्हें पर्शिया पहुंचने में लगभग एक साल लग जाएगा और ये जीव लोगों का नौकर बनकर उनके साथ निकल पड़ता है। ये पानी के रास्ते आगे बढ़ते हैं और इसके बाद रेगिस्तान आता है। दरअसल अब ये मिस्र पहुंच चुके हैं और मिस्र पहुंचने के बाद रॉब अपना नाम बदलकर बेंजामिन रख लेता है। वो जीव लोगों की तरह प्रार्थना करता है ताकि सबको ऐसा लगे कि वो भी एक ज्यूइश है। इसी काफिले में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रेबिका है। दरअसल ये रेबिका को बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं और जब ये रास्ते में होते हैं तब ये घोड़ों पर एक पूरी सेना को देखते हैं जो सेल्जुक्स की सेना होती है। इन्होंने पूरे एक गांव को खत्म कर दिया होता है। ये सब के सब उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर रेबिका को एक बच्ची मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, पर जल्दी उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। रॉब उस बच्ची की मदद करता है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देता है जिस वजह से रेबिका उससे इंप्रेस हो जाती है और दिली दिल में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। रेबिका रॉब को अलादीन की कहानियां भी सुनाती है जो रॉब को बहुत अच्छी लगती है। अब जब ये रेगिस्तान से होते हुए पर्शिया पहुंचने वाले होते हैं तभी रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उस तूफान में सब के सब फंस जाते हैं। रॉब की जान जाते जाते बचती है। वो किसी तरह से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सिना का हॉस्पिटल है। वो उस हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मैं भी यहां पर मेडिकल की चीजों को सीखना चाहता हूं, पर उसकी हालत देखकर उसे वहां से भगा दिया जाता है। गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। और जब रॉब बेहोश होता है तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उसे अपने साथ ले जाता है। और जब रॉब की आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसे पता चलता है कि ये वही हॉस्पिटल है जहां पर वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, जहां पर वो ऑपरेशन करना सीखना चाहता है। और ये हॉस्पिटल सिना का है और जो आदमी उसके सामने है वो और कोई नहीं बल्कि सिना है। सिना को जब पता चलता है कि रॉब इतनी दूर से सिर्फ यहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आया है तो वो उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे देता है। और अब रॉब यहां पर मेडिकल की बहुत सारी नई नई ट्रीटमेंट को सीखता है। वो सीखता है कि किस तरह से लीचिस से इलाज किया जाता है। उसे मेडिकल का इतिहास भी पढ़ाया जाता है और बहुत सारे मेडिकल के नए नए ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया जाता है। अब उसे पता चलता है कि रेबिका जिंदा है, पर यहाँ पर उसकी एक आदमी से शादी होने वाली है, जिस बात से वो निराश हो जाता है क्योंकि वो रेबिका से प्यार करता है और वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक दूसरे देश में है। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक औरत के पास जाता है जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए उस औरत को वो अपने हॉस्पिटल लाता है और सिना के साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। और अब सिना को भी रॉब की इस पावर के बारे में पता चल चुका है कि उसके अंदर एक ऐसी सेंस है जिससे वो किसी भी इंसान के शरीर में पल रही घातक बीमारी के बारे में पता लगा सकता है। रॉब सिना को बताता है कि मेरी मॉम को आज से कई साल पहले अपेंडिसाइटिस नाम की एक बीमारी हुई थी जिससे मैं उन्हें बचा नहीं पाया और मैं उस बीमारी का ट्रीटमेंट सीखना चाहता हूं ताकि मैं लाखों लोगों की मदद कर सकूं। पर हैरानी की बात यह होती है कि यहां इतने बड़े हॉस्पिटल में भी उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता। सिना रॉब को बताता है कि धर्मों की वजह से हमें किसी भी इंसान के शरीर को काटने की इजाजत नहीं है, ऐसा पाप माना जाता है, इसीलिए हमारे पास ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ऐसा संभव होगा और तब हम इंसानों की हर एक बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकेंगे। अब यहाँ का जो राजा होता है उसका नाम शाह होता है और दूसरी तरफ होती है सेल्जुक की सेना। सेल्जुक की सेना शाह के साथ संधि करना चाहती है, यानी कि समझौता करना चाहती है, पर शाह साफ साफ मना कर देता है, जिस बात से सेल्जुक की सेना को बहुत गुस्सा आता है। और वो एक बीमार आदमी को जिसे प्लेग की बीमारी होती है उसे जानबूझकर शाह के राज्य में भेज देता है जिससे पूरे राज्य में प्लेग की महामारी फैल जाती है। हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, सब लोग इस राज्य को छोड़ने लगते हैं। इसमें रेबिका का पति भी होता है। दरअसल रेबिका को भी अब प्लेग की बीमारी हो चुकी है, इसीलिए उसका पति उसे छोड़कर भाग जाता है। पर सिना और उसके जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर गरीब बीमार लोगों का इलाज करते हैं। ये देखते हैं कि लोगों के शरीर में बड़े बड़े बॉयल्स हो गए हैं। हालांकि रॉब चाहता है कि उसे कट करके उस घाव की इस बॉयल की सफाई की जाए, पर सिना उसे बताता है कि इस वक्त में हम किसी के भी शरीर को काट नहीं सकते, ऐसा करना अपराध होगा। इसीलिए और भी बहुत सारे मरीजों की जान चली जाती है। अब रॉब देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि प्लेग की बीमारी चूहों से फैल रही है। साथ ही यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है। वो शहर के सभी चूहों को मार देते हैं, साथ ही पूरे शहर में हाइजीन का ध्यान रखते हैं जिससे सभी मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इस शहर से प्लेग की बीमारी खत्म हो जाती है। रेबिका भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है।
इसीलिए अब रॉब और रेबिका दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब क्योंकि महामारी खत्म हो चुकी है, इसीलिए रेबिका का पति वापस आ जाता है और उसे अपने पति के साथ रहना पड़ता है। वहीं रॉब को दिखाया जाता है जिसके हॉस्पिटल में एक दिन अपेंडिसाइटिस का एक पेशेंट आता है। रॉब उसके शरीर को काट नहीं सकता, इसीलिए उसे बचाया नहीं जा सकता और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये एक ज़ोरोस्ट्रियन होता है और मरने के बाद ज़ोरोस्ट्रियन लोगों के शरीर को काटना किसी तरह का कोई भी अपराध नहीं है, उसे पाप नहीं माना जाता। इसीलिए रॉब किसी को बताए बगैर उसके शरीर को काट लेता है, जिसके बाद वो पहली बार इंसान के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को देखता है कि वो किस तरह से शरीर में प्लेस्ड हैं। वो बहुत सारी नई नई ड्रॉइंग्स बनाता है, वो शरीर की पूरी एनाटॉमी को ड्रॉ कर लेता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि शरीर के किस हिस्से में अपेंडिसाइट्स होता है, पर इस बारे में वहां के मुल्लास को पता चल जाता है। इसीलिए वो रॉब को और सिन्हा को दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इन दोनों को इस जुर्म के लिए सजाए मौत देते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ का जो राजा है, जिसका नाम शाह है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल उसे भी अपेंडिसाइटिस हुआ है, जो आज से कई साल पहले रॉब की मॉम को हुआ था। इसीलिए सिन्हा को और रॉब को आजाद कर दिया जाता है और शाह के पास ले जाया जाता है। शाह से कहते हैं कि हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आपके शरीर को काटना होगा। शाह इस बात के लिए अग्री हो जाता है, लेकिन रॉब एक शर्त रखता है। वो कहता है कि रिबेका को आजाद करना होगा। दरअसल रिबेका के हस्बैंड को पता लग गया था कि रिबेका और रॉब के बीच में शारीरिक संबंध हुए हैं, इसीलिए उसे सरेआम पत्थर मारकर मार देने की सजा मिली होती है। पर शाह अब उसकी शर्त मान जाता है, रिबेका को आजाद कर दिया जाता है। और इसके बाद ये सब के सब मिलकर शाह का ऑपरेशन करते हैं। वो उसे एक्सटर्नल एनेस्थीसिया देते हैं और उसके पेट को काटकर उसकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। जल्द ही शाह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस राज्य के जो मुल्लाज होते हैं, वो सेल्जूक्स की सेना से मिल जाते हैं, क्योंकि वो शाह से पूरी तरह से नाराज थे, क्योंकि शाह ने रॉब को और सिन्हा को छुड़ाया था। साथ ही उसने मेडिकल का वो ट्रीटमेंट भी करवाया था, जिसे ये पाप समझते हैं, इसीलिए अपने सैनिकों के साथ शहर के अंदर हमला कर देते हैं। दरअसल ये ज्यूस लोगों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। वहीं सेल्जूक की जो सेना होती है, वो शहर के बाहर से आक्रमण कर देती है। पूरे शहर में खलबली मच जाती है। सिन्हा के स्कूल को, उसकी लाइब्रेरी को भी पूरी तरह से जला दिया जाता है। रॉब सिन्हा से मिलने जाता है, उस वक्त वो अपनी लाइब्रेरी में बैठा होता है। सिन्हा रॉब को अपनी मेडिकल की सबसे इम्पोर्टेंट बुक देता है और कहता है ये तुम्हारे हमेशा काम आएगी। और इसके बाद सिन्हा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रॉब रेबिका को लेकर वहां से निकल जाता है और एक बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो वापस इंग्लैंड के लंदन शहर आ जाता है। अब उसने रिबेका से शादी कर ली है और लंदन आने के बाद उसने अपना हॉस्पिटल भी खोल दिया है, जहां पर वो बीमार लोगों का इलाज करता है। वो अपने भाई और बहन को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। और एक दिन इस शहर में रॉब का पहला टीचर बार बार आता है, लेकिन कोई भी उसके पास इलाज के लिए नहीं जा रहा होता। ये देखकर वो हैरान होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और उसे रॉब के हॉस्पिटल के बारे में बताता है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है और वो रॉब से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उसे रॉब को देखकर बहुत खुशी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।